ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। कितने बच्चे ने? 11 बच्चे। तीसरी छड़ देती है, क्यों छड़ी है? दो बीवियां ते कितने बच्चे जी ताडे? 11 बच्चे ते दो बीवियां, माशाल्लाह। अजे 3 फोत हो गए और 1 बीवी भी। यानी के ज्यादा बच्चे जनने वाली से तुम निकाह करो, मतलब निकाह ही करोगे तो प्लानिंग तुम्हारी ऐसी हो कि कौन सी औरत से हमें ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं, उससे निकाह करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फैनी मुकाथिरु बिकुमुल उमम यौमल कियामा, कि मैं उम्मतों के साथ मेरा कंपटीशन होगा कि किस उम्मत के ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो यहां पर ये हदीस में जो ये बात आई है कि वलूद यानी कि ज्यादा बच्चे जनने वाली, अब उस एतबार से उस जमाने में एक बात हम देख सकते थे कि ऐसी औरत जो एक बच्चों को जन्म देगी वो प्रेफरेबल समझी जाती। लेकिन हम आज के जमाने में जब देखते हैं तो और इसके कॉन्टेक्स्ट खुलते जा रहे हैं। जैसे जो एक मॉडर्निज्म का दौर है, फैमिली प्लानिंग में मानने वाली लोग हैं, प्रोफेशनल किस्म की जो औरतें होती हैं वो पहले से उनकी सोच होती है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं अच्छी चीज है। यानी कि वो वलूद नहीं है, जो वलूद जिसे कहते हैं, जो रेडी टू हैव मोर चिल्ड्रन जो औरतें होती है, जिसे प्रेफरेबल बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये नेचुरली है या फिर इंटेंशन वाइज है कि ऐसी जो करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे, या फिर नेचुरली कुछ फिजिकली ऐसे होते हैं लोग, कुछ ज्यादा बच्चे देने वाले कुछ कम बच्चे देने वाले, इस तरह? नेचुरली जो चीज है वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है, उसके लिए तो किसी पर बोझ नहीं है, वो तो अल्लाह की प्लानिंग है, हम तो प्लान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली आज एक कल्चर है, जिस कल्चर को फॉलो करने वाली जो हमारी बहनें हैं, हम उनके सामने आज कई फैक्ट्स इंशाल्लाह मैं रखना चाहूंगा, लेकिन उनकी पहले से सोच ये होती है कि ज्यादा बच्चे हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये वलूद जो हदीस के वर्ड्स आए उसमें वो औरतें उस हिसाब से वो बेटर नहीं समझी गई, उन्हें एक कम दर्जा मिला इस हदीस की रोशनी में जी। तो ये बात वाजह है कि इस्लाम ने एनकरेज ही किया है कि इस्लाम के फॉलोअर्स ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये एक एनकरेज। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।